वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। और गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी R15 से मथुरा, और हमारे एक सच्चे खास दोस्त ने हमें दिया है धोखा, वरना वो भी आने वाले थे, वो नहीं आ रहे हैं। वहाँ लगा हुआ है एक बोर्ड, यमुना एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। और गाइस देखो, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने अपनी टंकी की करा ली है फुल, 64 किलोमीटर हमारी बाइक चली है, और इसके बाद देखते हैं एक टंकी में कितना एवरेज देती है। और यहाँ से जो मथुरा है 126 किलोमीटर है, वहाँ से हमें बरसाने भी जाना है। तो अपने पास क्या ना, यहाँ पे एक ऐसा GoPro लगता है हेलमेट के अंदर, वो है नहीं है, तो कहीं पे भी मैं रुकूंगा आपको दिखाऊंगा बताऊंगा। फिलहाल अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और जर्नी तो अपनी है 64 किलोमीटर पहले स्टार्ट हुई है। और टाइम देख लो गाइस, टाइम हो रहे हैं 5:15, और अब हम इस बाइक को ले जाएंगे सीधा 140, 150, 180 पे। मतलब समझ रहे हो ना, फीलिंग तो बहुत ज़बरदस्त है। तो करते हैं इस जर्नी को स्टार्ट। वो जा रहा है बुलेट वाला भाई, उसे पकड़ते हैं, दर दबोचते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ से हो चुका है यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट, और देख लो ज़्यादा दूर नहीं था, 300 कदम की दूरी पे था। ये बस वाले जा रहे हैं आंड पलान टमाटर से और जा रहे हैं। ये पूरा भाई देख लो, सामने सूरज ढलने वाला है, और टेम्परेचर का तो पूछो मत भाई, 45 में तुम्हारा भाई वीडियो बना रहा है। मगर वो ये जाना भी ज़रूरी है, ठीक है, तो ऐसे मत कहना कि क्यों जा रहा है, मत जा। तो यहाँ पर आ चुका है यमुना एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है, मौत से टक्कर में आपका स्वागत है। तो करते हैं आज अपनी जर्नी को स्टार्ट, और लेकर चलते हैं अपनी बाइक और भगाते हैं आज इसको यहाँ पे धुआंधार। फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं हाईवे मसाला के पास, और भाई हमने इस बाइक को भगाया है, मतलब 125 तक चली गई थी, और अभी देखो इसके अंदर क्या हो गया है। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी, ये गुस्सा हो गई है। गुस्से का इलाज इसका ये है, समझ आ रही है, 5-10 मिनट आराम कर ले। तो फाइनली गाइस देख लो, ये अपना हेलमेट रहा, ये अपनी बाइक रही, ठीक है। इंडिकेटर दोनों तोड़ दिए मैंने इसके पीछे के, और बाकी अभी चल रहा है बातचीत। कुछ लोग अब हमें देखते हुए ये सोच रहे होंगे पता नहीं क्या कर रहा है ये, मगर कोई बात नहीं, कैडी वाली बातचीत आ रही है। सामने हमारे लायक एक ढाबा है, ये हाईवे मसाला है, और टाइम देख लो क्या हो गया है। टाइम भाई देखो, झूठ सच वाली बात नहीं है, 5:45 हो रहे हैं, और हमारी जो बाइक है वो आ चुकी है पूरे 101 किलोमीटर, और पेट्रोल का एक भी डंडा कम नहीं हुआ है। तो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, फिर उसके बाद इसका फ़ैन बंद होगा, फिर निकलेंगे। बाकी अपना PHS एकदम ओके रिपोर्ट में चमक रहा है, बाकी यहाँ अपनी बाइक खड़ी हुई है देख लो भाई, और जो सूरज है वो थोड़ी देर में ऐसे ढल जाएगा, ठीक है, मगर अभी है, अभी गया नहीं है। तो करते हैं अपनी बाइक को थोड़ी देर के लिए ठंडा, फिर चलते हैं यहाँ से, करते हैं अपनी मथुरा की जर्नी स्टार्ट। खड़ा हुआ था मैं, अपना आराम कर रहा हूँ इतने खुले मैदान में, ये सोच के कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। इतनी देर में इन लोगों की एंट्री हो जाती है, पीछे तो कोई नहीं है, वहाँ पे हाई फाई लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या है 140 रुपये की थाली है, बट हमारे पास 140 रुपये ही है, नहीं है, हम नहीं खाएगा वहाँ पर थाली, हम अपनी बाइक को ठंडा करेगा और यहाँ से निकलेगा। अभी ये मुझे घूर रही है बड़ी गंदे तरीके से, पर कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ अ जर्नी। हाय बंकी, हेलो, मोबाइल ले लो। हम आ चुके हैं अपने दिल्ली से मथुरा के टूर के पहले टोल पे, और जो पहला टोल आया वो आया 105 किलोमीटर के बाद। भाई मतलब ठीक है, मज़ा आ रहा है, जाने के बाद और बताऊंगा कितना मज़ा आ रहा है। कुछ चूतिया साइड में भी अपनी अल्ली मल्ली कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, तमिलनाडु के तो चलते हैं गाइस, करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट दोबारा से, और देखते हैं कितने रुपये का टोल कटता है। तो मैं अब जब भी आगे कहीं रुकूँगा आपको बता दूंगा,